मलिक। एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहां पहुंच गए? अजीब हो। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। हेलो डार्लिंग। हाँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस मीटिंग में जा रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था। तुम सुनाओ, ज़ारा आ गई स्कूल से? ड्राइवर गया है उसे लेने। आप कब आ रहे हैं? बस यार, यहाँ दो चार मीटिंग्स हैं, उसके बाद दुबई टच करूँगा। आई थिंक सो आई विल बी बैक बाय फ्राइडे। हाँ, यानी कि 5-6 दिन लगेंगे। आई रियली मिस यू। या आई मिस यू टू। अपना ख्याल रखना और ज़ारा का भी। मैं मीटिंग के बाद कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाँ शकील, बोलो। मैडम, वो ज़ारा भी बाहर नहीं आई अब तक। मैंने पूरा स्कूल ढूंढवा लिया, चंद बच्चे थे वो भी निकल गए। क्या, तुम कहाँ हो? मैडम, मैं तो स्कूल के बाहर ही खड़ा हूँ। तुम वहीं पे रुको, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? देखिए मोहतरमा, आज आपकी बेटी स्कूल आई ही नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ गई? मगर ये कैसे हो सकता है? इसने खुद उसे ड्रॉप किया है और आपके चौकीदार ने उसको स्कूल आते हुए देखा है। मैडम, मैं आपको बता चुकी हूँ, वो आज क्लास में आई ही नहीं है। अटेंडेंस शीट आपके सामने है। वो आज एब्सेंट रही है, किसी सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं की उसने। मैं कुछ नहीं जानती। ज़ारा स्कूल आई थी और स्कूल आने के बाद वो आप लोगों की जिम्मेदारी थी। हमें अपनी जिम्मेदारी का पता है। हो सकता है कि वो गेट के अंदर ही नहीं आई हो, या फिर अंदर आकर वापस बाहर चली गई हो। मगर क्यों, वो क्यों बाहर निकलेगी और कहाँ जाएगी? ये तो वही बता सकती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो गुम हो जाए। 14-15 साल उम्र तो होगी उसकी। प्रिंसिपल साहिबा, मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी और वो यहाँ से ही गायब हुई है। और आपको पता है कि अगर मैंने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कर दी ना, तो आप मुश्किल में आ जाएंगी। एक माँ की हैसियत से हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन ये कोई मामूली स्कूल नहीं है। मैं 20 साल से यहाँ प्रिंसिपल हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बेहतर होगा कि आप उसे अपने रिश्तेदारों या उसके फ्रेंड्स में तलाश करें। हो सकता है किसी बात पे नाराज हो के घर से चली गई हो। और रहा पुलिस का मामला, तो आप पुलिस से राब्ता कर सकते हैं, हम उन्हें मुतमईन करेंगे। कल ज़ारा की क्लास में उसकी दोस्तों से इंक्वायरी करो, पता करना कि उसकी किन किन स्टूडेंट्स के साथ दोस्ती है। जी। तुम उसकी दोस्त हो, एटलीस्ट तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ज़ारा के साथ क्या हुआ है। कल भी इस तरह की कोई बात नहीं की उसने मुझसे। एक्सक्यूज मी। हेलो, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मेरी उनसे बात हुई थी, मगर उनका ये कहना है कि वो 24 घंटे से पहले FIR दर्ज नहीं कर सकते। अब जो भी होगा सुबह ही होगा। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आप दोनों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अब जो भी होगा वो सुबह ही होगा। अगर आप चाहें तो हम रात को यहीं रुक जाएं, आप अकेली हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमें इजाज़त है। थैंक यू।
हेलो जाहिद। क्या बात है मुनीजा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूं, मगर जारा। क्यों, क्या हुआ जारा को? वो ठीक तो है? वो पता नहीं स्कूल से किधर चली गई है जाहिद। क्या मतलब है, कहाँ चली गई? ड्राइवर उसे स्कूल लेने के लिए गया था, मगर वो वहां पर नहीं। स्कूल मैनेजमेंट का ये कहना है कि वो आज स्कूल ही नहीं आई। फॉर गॉड सेक मुनीजा, कहाँ गई वो, कहाँ है? मुझे नहीं पता जाहिद, मैंने हर जगह चेक कर लिया, उसके सब दोस्तों से पूछ लिया। मुनीजा तुमने मुझे इतनी देर से क्यों बताया? मैंने आपको कई बार फोन किया जाहिद, पर आपका फोन ऑफ जा रहा था। मुनीजा मैंने तुमसे कहा था कि उसका ख्याल रखना। एनीवे मैम, I'm coming back। मैं पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ, ढूंढो उसको, जब तक ढूंढो उसे। ओके ठीक है। कहाँ चली गई? My God। मैडम वो साहब आए। साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर, अभी मैंने दवा ली है। मैम यही ड्राइवर है जो जारा को स्कूल लेकर जाता था? जी, और उस दिन भी। प्लीज मैम, कब से काम कर रहे हो यहाँ? साहब तकरीबन 2 साल हो गए मैडम के साथ काम करते हुए। कहाँ रहते हो? साहब ये पीछे क्वार्टर में मैडम ने जगह दी हुई है, वहीं सो जाता हूँ। बच्चे साथ रहते? नहीं साहब, अभी शादी नहीं हुई साहब मेरी। ठीक है, तुम बाहर बैठो, तुमसे बाद में बात करते हैं। मैम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज बैठिए। जी प्लीज। थैंक यू। मैम आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 2 साल। 2 साल? लेकिन आपने रिपोर्ट में तो अपनी बेटी की उम्र 13 से 14 साल लिखवाई है। वो असल में मैं जारा की स्टेप मदर हूँ। आई सी। तो जारा की एक्चुअल मदर को इस वाकये के बारे में पता है? नहीं, एक्चुअली जारा की मदर की डेथ को 5 साल हो चुके हैं और मेरी जाहिद की शादी 2 साल पहले ही हुई है। जाहिद साहब कब आ रहे हैं वापस? उनको जैसे ही फ्लाइट मिलेगी वो पहुंच जाएंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको किस तरह से फेस करूंगी। इतना भरोसा था उनको मुझ पे, जारा की सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। और मैडम आप हौसला कीजिए, आई अंडरस्टैंड। ये बताइए कि आप लोगों की कोई फैमिली में दुश्मनी या कोई ऐसी बात तो नहीं? हमसे किसको दुश्मनी हो सकती है? जाहिद तो इतने सुलझे हुए नरम मिजाज इंसान है, उन्होंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैडम जारा की उम्र में लड़कियां अक्सर मेल फ्रेंड्स बना लेती हैं, जिन्हें दूसरे अल्फाज में बॉयफ्रेंड्स भी कहती हैं। आपके इल्म में है कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा लड़का? स्कूल में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, फैमिली में जो बच्चे हैं उनके साथ इसी तरह से उसकी बातचीत थी जैसे कजन्स में होती है। अलबत्ता किसी ने एक बार किसी लड़के का जिक्र किया था। जारा को तो मैं ढूंढ लूंगा, जब एक दफा मुझे मिल गई उसके बाद मैं इस बात का तयन करूंगा कि कसूर किसका है। हमें अगवा का कोई एविडेंस मिल ले रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है। किसके साथ चली गई और अपनी मर्जी से क्यों जाएगी वो? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी लड़के से मिल रही थी। लड़का? जी प्लीज। थैंक यू। मैम आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 2 साल।
दो साल, लेकिन आपने रिपोर्ट में तो अपनी बेटी की उम्र 13 से 14 साल लिखवाई है। वो असल में मैं जारा की स्टेप मदर हूं। I see. तो जारा की एक्चुअल मदर को इस वाकये के बारे में पता है? नहीं, एक्चुअली जारा की मदर की डेथ को 5 साल हो चुके हैं और मेरी जाहिद की शादी 2 साल पहले ही हुई है। जाहिद साहब कब आ रहे हैं वापस? उनको जैसे ही फ्लाइट मिलेगी वो पहुंच जाएंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको किस तरह से फेस करूंगी। इतना भरोसा था उनको मुझ पे, जारा की सारी जिम्मेदारी मुझ पे थी। और मैडम आप हौसला कीजिए, आई अंडरस्टैंड। ये बताइए कि आप लोगों की कोई फैमिली में दुश्मनी या कोई ऐसी बात तो नहीं? हमसे किसको दुश्मनी हो सकती है? जाहिद तो इतने सुलझे हुए नरम मिजाज इंसान है, उन्होंने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैडम जारा की उम्र में लड़कियां अक्सर मेल फ्रेंड्स बना लेती हैं, जिन्हें दूसरे अल्फाज में बॉयफ्रेंड्स भी कहती हैं। आपके इल्म में है कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा लड़का? स्कूल में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, फैमिली में जो बच्चे हैं उनके साथ इसी तरह से उसकी बातचीत थी जैसे कजन्स में होती है। अलबत्ता किसी ने एक बार किसी लड़के का जिक्र किया था। आप उसे जानती हैं? नहीं, जारा की फ्रेंड है आफिया, उसने उसको देखा था स्कूल के बाहर बात करते हुए। ये जो उसकी दोस्त है आफिया, ये उसकी इतनी क्लोज है कि वो बातें शेयर करती है उसके साथ? जी, आफिया उसकी क्लास फेलो है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। ठीक है मैडम, हम स्कूल जाके इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही जाहिद साहब आ जाएं तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा या उनसे कॉल करवा दीजिएगा। एएसपी साहब प्लीज कुछ भी करके जारा को जाहिद के आने से पहले ढूंढ दें, वरना मैं जाहिद को क्या मुंह दिखाऊंगी। देखिए मैडम, इस बात की तो गारंटी नहीं है कि उनके आने से पहले जारा मिल जाएगी, लेकिन आप इस बात पर यकीन रखें कि हम उसे ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्ड के मुताबिक तो उस दिन जारा एब्सेंट थी स्कूल से, लेकिन हमें यह भी पता चला है कि उसका ड्राइवर उसे छोड़ कर गया है। एसपी साहब, 1500 से जायद बच्चे और बच्चियां स्कूल आते हैं, गेट पर इतना रश होता है कि हर बच्चे को चेक करना नामुमकिन है। क्लास की अटेंडेंस रिपोर्ट से ही पता चल सकता है कि कौन हाजिर है और कौन नहीं। ठीक कहा आपने। मैडम क्या ये मुमकिन है कि कोई बच्चा स्कूल के अंदर आने के बाद फिर बाहर चला जाए? आफ्टर 8:30 गेट बंद हो जाता है और फिर उसके बाद छुट्टी होने तक कोई स्टूडेंट गेट से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ये तो मुमकिन है कि गेट बंद होने से पहले वो बाहर चला जाए। ऐसा मुमकिन है। मैडम उस दिन गेट पर जो चौकीदार था जरा उसे बुलवा लीजिए। उसका बयान तो आप ले चुके हैं। जी, लेकिन मुझे उससे कुछ कंफर्म करना है। बल्कि काम कीजिए, आप रहने दीजिए, नवाब आप ले आइए। तो आप जारा की क्लास टीचर हैं? जी। स्कूल में तो हर बच्चे पर इंफरादी तौर पर बहुत तवज्जो दी जाती है, आपको जारा कैसी लगी, किस तरह की स्टूडेंट थी? बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। तो उस वाक़े से पहले आपने जारा में कोई ऐसा बिहेवियर चेंज या कोई ऐसी बात देखी जो गैर मामूली हो? नहीं सर, ऐसी कोई खास चेंजिंग महसूस नहीं की। आपने उसके साथ ही स्टूडेंट से इंक्वायरी की? जी सर, लेकिन किसी से कोई ऐसी बात नहीं पता चली जिससे जारा की गुमशुदगी का मालूम हो सके। तुम जारा के ड्राइवर शकील को जानते हो? बस सर, मैं इतना जानता हूँ कि वो सुबह छोड़ के जाता था और छुट्टी के टाइम वापसी ले जाता था,
बस कभी कभार सलाम दुआ हो जाता था। शकील ने बताया कि जिस दिन जारा गायब हुई थी उस दिन वो तुम्हारे सामने जारा को छोड़कर गया था स्कूल। साहब जिस टाइम मैं गेट बंद कर रहा था तो ड्राइवर को मैंने देखा था। जारा को देखा था? साहब रश में क्या पता चलते, गाड़ियां आते जाते और उस टाइम बच्चे अंदर हो जाते स्कूल में, लेकिन ड्राइवर को मैंने गाड़ी में देखा था तो उसने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दे दिया। तो तुम्हारी रोज़ सलाम दुआ होती है उसे? नहीं सर, जब नज़र पड़ता था तब सलाम दुआ होता था। ये बताओ कि छुट्टी के बाद तुमने कभी जारा को किसी लड़के से मिलते हुए देखा है स्कूल के बाहर? साहब इतना रश होते हमको कैसे पता चलेगा कौन किसको लेने आए, कौन किससे मिलते। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जारा स्कूल के बाद किसी लड़के से मिलती थी। आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इस सिलसिले में? स्कूल के बाहर कौन किससे मिलता है ये हमारा इशू नहीं और ना हमें। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है। मैडम मैं जारा के दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। सॉरी एसपी साहब, हम उनके वालदेन की इजाज़त के बगैर आपको मिलने की इजाज़त नहीं दे सकते। कम से कम आप आफिया से तो मिलवा सकती हैं, वो जारा के बहुत क्लोज थी। एसपी साहब ये मुमकिन नहीं है, आपको उनके वालदेन से राब्ता करना होगा और उनके घर जाकर मिलें। उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल जाएगा? ओके, मैं रिकॉर्ड से निकलवा कर आपको लिखवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। या अल्लाह ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरी बच्ची मेरी गुड़िया कहाँ चली गई? अपने आप को संभालें, हौसला करें जाहिद। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, मैंने तुम पे भरोसा किया लेकिन तुम तो। मेरा क्या कसूर है, वो स्कूल से गायब हुई है, कोई घर से तो नहीं। कसूर मेरा है, मेरा है। मैंने ये सोचा कि तुम उसका ख्याल रखोगी लेकिन तुम्हारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं था क्योंकि वो तो। आप गलत समझ रहे हैं जाहिद, जितना दुख आपको है उतना मुझे भी है। दो दिन से ना मैंने कुछ खाया पिया और ना ही मैं सोई हूँ, सिर्फ उसको तलाश कर रही हूँ। और आज से पहले भी तो आप उसको छोड़ के जाते थे, आपको मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बात याद रखना, जारा को तो मैं ढूंढ लूंगा, जब एक दफा मुझे मिल गई उसके बाद मैं इस बात का तय्यून करूंगा कि कसूर किसका है। किधर जा रहे हैं आप? एएसपी से मिलने। पता नहीं वो उस वक्त आपको मिले या ना मिले। जनाब क्या हाल है? गुड। और वापसी का क्या प्रोग्राम है? 2 weeks? वाओ, मेरा दिल कैसे लगेगा फिर? नहीं एक्चुअली मुझे आपके वो ताने देना और तंज करना याद आता है ना, मेरा खाना हजम नहीं होता जब तक मैं आपकी बातें ना सुन लूं। अच्छा तो बस मैं घर के लिए निकलने वाला हूँ, मैं घर पहुँच के फोन। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कब आ रही हैं सर? मैडम। मैडम कौन? मैडम सर वो जिनसे आप बात कर रहे थे। नवाब आप जब से एसआई बने हैं मेरे पर्सनल मामलात में कुछ ज्यादा ही दखलअंदाजी नहीं करने लगे? सॉरी सर। सर ये सारी तरक्की तो आपकी मेहरबानी है सर। आपने भी काफी मेहनत की है इस तरक्की के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पर्सनल मामलात में दखलअंदाजी करें। कब दखलअंदाजी किया करें? अरे अरे आप कहाँ गुस्से चले आ रहे? आप हुमायूं साहब, आई मीन एसपी हुमायूं जी। मैं जाहिद सईद, जारा का फादर। या ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। कब लौटे आप? मैं तो अभी 2 घंटे पहले। कुछ पता चला जारा का? अगर पता चला होता जाहिद साहब तो वो घर पर होती, हम मुख्तलिफ पहलू से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे? 3 दिन से बच्ची लापता है और आप कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेट कर रहे? देखिए जाहिद साहब, समझने की कोशिश कीजिए, ये केस पेचीदा है, हमें अगवा का कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है। कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई और अपनी मर्जी से क्यों जाएगी वो?
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी लड़के से मिल रही थी। लड़का? कौन लड़का? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। ये बताइए, ये आपका ड्राइवर शकील जो है, ये कैसा आदमी है? बस एक बात का ख्याल रखना कि जितनी देर होती जाएगी जारा की जिंदगी को खतरा उतना बढ़ता जाएगा। उसे अगवा किया गया है। मगर कोई क्यों अगवा करेगा उसे? और अगर किसी ने अगवा किया होता तो अब तक कुछ डिमांड तो करता। एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। क्या? बोलो। मैं जाहिद सईद, जारा का फादर। या ऑफ कोर्स, प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। कब लौटे आप? मैं तो अभी 2 घंटे पहले। कुछ पता चला जारा का? अगर पता चला होता जाहिद साहब तो वो घर पर होती। हम मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे? 3 दिन से बच्ची लापता है और आप कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेट कर रहे? देखिए जाहिद साहब, समझने की कोशिश कीजिए, ये केस पेचीदा है। हमें अगवा का कोई एविडेंस मिल नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची अपनी मर्जी से गई है। कहाँ चली गई? किसके साथ चली गई और अपनी मर्जी से क्यों जाएगी वो? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी लड़के से मिल रही थी। लड़का? कौन लड़का? ये तो अभी नहीं पता, लेकिन जल्द पता चल जाएगा। ये बताइए, ये आपका ड्राइवर शकील जो है, ये कैसा आदमी है? आपको शकील पे शक? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कैसा आदमी है और आपके पास कब से काम कर रहा है। हमारे साथ तो हमारे साथ पिछले 2 साल से है, लेकिन आज तक हमें उससे कोई शिकायत नहीं हुई। 2 साल? गालिबन आपकी दूसरी शादी को भी 2 साल हो गए। इसका इस बात से क्या ताल्लुक? नहीं, बस ऐसे ही आपकी मौजूदा वाइफ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने जिक्र किया था कि आपकी शादी को 2 साल हो गए। एक्चुअली मुनीजा ने ही इसे अपना ड्राइवर रखा था, क्योंकि पहले भी, शादी से पहले भी ये उसी का ड्राइवर था। आपकी पहली वाइफ यानी जारा की मम्मी का इंतकाल कैसे हुआ? मैं सब उनको जिगर का कैंसर हो गया था। सिर्फ 4 महीने रही हुआ हमारे साथ, सिर्फ 4 महीने। I'm very sorry. जाहिद साहब, मैं सिर्फ इतना मशवरा दे सकता हूँ कि आप घर जाइए, हम इस केस पर काम कर रहे हैं, हमें जैसी कोई खबर मिलेगी हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। देखिए एसपी साहब, सारा मेरा सब कुछ, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का मकसद है वो। सारी दौलत ले लीजिए, जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन प्लीज इस मेरी बच्ची को वापस मेरे पास ले आइए, फॉर गॉड्स सेक। देखिए जाहिद साहब, ये हमारा फर्ज है, हमारा काम है, हम हर सूरत उस बच्ची को ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन इस वक्त के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप दुआ कीजिए कि जारा जहां भी हो खैरियत से हो, ठीक हो। ठीक, आप कॉल का इंतजार करूंगा। श्योर, प्लीज। अब ये जो शकील है, इस पर मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए मुझे, कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है, सब कुछ। और ये भी चेक करो कि इसका कोई पुराना पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। ठीक है सर। सर, ड्राइवर को छोड़कर हमें उस लड़की की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर इस मामले में इन्वॉल्व होता तो वह कब का भाग चुका होता। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस पर रिपोर्ट जरूरी होगी। राइट सर, शकील पर रिपोर्ट ले आओ। मैं ले आऊंगा। हाँ,
साहब जी आप किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ वो मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी, पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ जारा बीबी को तो बात नहीं कर रहे हो? तुम जारा को जानते हो? कहाँ है वो, कहाँ चली गई? पता नहीं साहब जी, पुलिस भी आया था उसका पूछने के लिए, बस अल्लाह सलामत रखे उसको। आप आ तो गए मगर कोई फायदा नहीं। मैंने आफिया से बात की थी मगर उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि जिससे आपको केस में मदद मिल सके। देखिए वसीम साहब, आपके पूछने में और हमारे पूछने में बहुत फर्क है। मुमकिन है कि हमारे पूछने से उसे कुछ याद आ जाए। एएसपी साहब, आपने इतना इसरार किया तो मैं इजाजत दे रहा हूँ, वरना हमारे खानदान में किसी बहू बेटी ने आज तक किसी पुलिस वाले का सामना नहीं किया। आई अप्रिशिएट सर, लेकिन आप हमें सिर्फ पुलिस ना समझिए, हम आपके दोस्त भी हैं, और अगर हमारे मतलब की कोई बात हमें नहीं पता चली तो हम आपको दोबारा जहमत नहीं देंगे। आप तशरीफ रखें। आफिया अंदर आ जाओ बेटा। बैठ। सामने क्यों बेटा? कैसी हो? जी ठीक हूँ बेटा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप रिलैक्स हो जाएं। हम आपसे बस यूं ही मिलने आए हैं क्योंकि आप जारा की बहुत क्लोज फ्रेंड थी ना बेटा। जिस दिन से जारा स्कूल से लापता है उसने आपसे कोई बात की? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ चली गई, ना ऐसी कोई बात की जबकि वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। क्या वो आपके अलावा भी किसी से बातें शेयर करती थी? दोस्त तो सारी क्लास थी मगर हम ज्यादा साथ रहते थे। क्लास के किसी लड़के से भी उसकी दोस्ती थी क्या? नहीं बस हाय हेलो थी। उसे तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम शेयर की? उसे कोई शिकायत या किसी से कोई खतरा हो? बस वो मम्मा को बहुत याद करती थी और उसे नई मम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बेटा जारा के ड्राइवर का कहना है कि उसने उस दिन उसे स्कूल छोड़ा था, लेकिन आपका प्रिंसिपल का कहना है कि वो स्कूल नहीं आई, क्या ये बात ठीक है? जी वो उस दिन क्लास में नहीं थी। जारा छुट्टी के बाद जिस लड़के से मिलती थी वो कौन है? मैं नहीं जानती। तुमने उसे कभी उससे बातें करते हुए देखा? नहीं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस कोई भी बात जहन में आए तो तुम डैडी से शेयर कर लेना, ये हमें बता देंगे। बस एक बात का ख्याल रखना कि जितनी देर होती जाएगी जारा की जिंदगी को खतरा उतना बढ़ता जाएगा। वसीम साहब ये मेरा कार्ड है, कोई भी बात पता चले आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। Thank you very much. Have a good day. Okay, बेटा। तुमसे कहा भी था कि अगर वो लड़के के बारे में पूछे तो घबराना मत, साफ मना कर देना। तो मैंने मना तो कर दिया था। खाक मना किया था, उन्हें शक हो गया तुम पर। लेकिन डैडी, जारा की जिंदगी को खतरा है। कुछ भी हो हमें इस मामले में नहीं पड़ना, और तुम भी किसी से इस बारे में बात मत करना। मैंने सारा कमरा चेक किया इस उम्मीद से कि शायद कोई खत या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे ये पता चले कि वो कहाँ और क्यों गई है। छोड़ के नहीं जा सकती वो।
ऐसा मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कहीं गई नहीं है, बल्कि उसे अगवा किया गया है। मगर कोई क्यों अगवा करेगा उसे? और अगर किसी ने अगवा किया होता तो अब तक कुछ डिमांड तो करता। एक बात है जो मैंने आपको नहीं बताई। मेरी गुड़िया रानी, कैसी हो तुम? आप मुझे गुड़िया क्यों कहते हैं? मैं बड़ी हो गई हूँ, ये देखें। बेटा आप जितनी भी बड़ी हो जाए ना, रहेंगी हमारी गुड़िया रानी। मैडम वो जारा बीबी बाहर नहीं आई अब तक। क्या मतलब है, कहाँ चली गई? आज आपकी बेटी स्कूल आई ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ गई? आपकी शादी को कितना अच्छा हुआ? 2 साल। लेकिन आपने रिपोर्ट में तो अपनी बेटी की उम्र 13 से 14 साल लिखवाई है। वो असल में मैं जारा की स्टेप मदर। सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो बच्ची अपनी मर्जी से गई। सर उस लड़के का नाम शहरयार है। कहाँ है जारा? हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुँच गए? अजीब हो तुम। बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँगा। मैडम आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।